हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन। स्वागत करता हूं मैं आपको हमारी दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन में। आज हम बात करेंगे अपने टेरेस में आउटडोर में कलरफुल लीव्स वाले कौन कौन से पौधे होते हैं जिनको हम रखकर अपनी बैल्कनी और टेरेस को सजा सकते हैं। तो आइए आज नर्सरी का व्यू करते हैं। देखिए, आउटडोर में आप ये सीजियम बोलते हैं इस प्लांट को। इसकी लीफ ग्रीन से रेड कलर, ऑरेंज कलर में टर्न हो जाती है। वो बहुत ही सुंदर प्लांट है, कम केयर में बहुत बढ़िया चलता है, आउटडोर में रखने के लिए बेस्ट प्लांट है। मई जून में ट्वाइस अ डे वाटर चाहिए होता है इसे। ये देखिए, सेकंड प्लांट हमारा कॉलियस है। कॉलियस के अंदर आपको कई सारे कलर देखने को मिलेंगे और ये सभी कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सेमी शेड भी चल जाता है और डायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाता है। पानी इसको अच्छे से भर के देना होता है। सर्दी में जिस भी प्लांट को वाटर करें, जब सरफेस ड्राई लगती है तभी आपको वाटर करना है। बाकी मई जून में सुबह शाम प्लांट को कंपलसरी हो जाता है पानी देना, क्योंकि जल्दी उसकी जो सरफेस है वो ड्राई होने लगती है। उसकी जगह आप मॉस भी लगा सकते हो उसकी सरफेस पे, जिससे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ के मॉस उसकी वेट रहती है और प्लांट को ठंडक मिलती रहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है ऐड करने के लिए। आइए थर्ड प्लांट की ओर चलते हैं। ये देखिए, लोरो पैटलम बोलते हैं इसे। इसमें इसके फ्लावर भी आते हैं रेड कलर के। ये देखिए, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है और ये कलर ऐड करने के लिए गार्डन में टेरेस पे बहुत ही सुंदर प्लांट है। और जैसे हम ग्रीन प्लांट रखते हैं उसी के साथ अगर हम कलर वाले प्लांट भी रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो भी आउटडोर वाले प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन सभी को वाटर ट्वाइस अ डे देना पड़ता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है। और सर्दी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सर्दी में आप वंस अ डे भी दो। और दिसंबर जनवरी में पानी की कमी पड़ती है इनको, तो आप सरफेस चेक करके ही दें एक्सेस वाटर, क्योंकि प्लांट को गलाता है, उसकी रूट को गलाता है, तो उसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। फोर्थ प्लांट हमारा पर्पल क्यून है। ये देखिए, इसमें पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं और ये ग्राउंड कवर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसे किसी ओवल शेप के पॉट में भर के लगा सकते हो और भर के लगाकर आप एंट्रेंस पे, टेरेस पे कहीं भी रख सकते हो। आपका कोई बड़ा प्लांट है चंपा का, उसके नीचे लगा सकते हो, मिट्टी नहीं दिखती और सुंदर लगता है ये प्लांट। और उसके कलर बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसकी भी ठीक वैसे ही कह रहे हैं जैसे हम और प्लांट की करते हैं। इसे वंडरिंग ज्यू बोलते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। ये ज़्यादातर आपने हैंगिंग बास्केट्स में देखा होगा, हैंगिंग बास्केट्स, ग्राउंड कवर में लगा सकते हो आप इसे। और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। पानी सभी में वैसे ही देना जैसे हमने आगे आपको बताया। ये देखिए, बहुत सुंदर प्लांट है, इसकी शेड्स बहुत प्यारी है। और ये कलरफुल पौधे लगाने से हमें बहुत अच्छा फील होता है। जिस तरह से हम कलरफुल सभी तरह की वेजिटेबल्स अगर एक प्लेट में हमें खाने को मिलती है तो हमारा अंदर से टेम्पटेशन होती है ज़्यादा खाने की, तो इसी तरह से हमें प्लांट्स भी कलरफुल लगाने चाहिए, जिससे हमारा मन मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे, तो उसे देख के बड़ी एनर्जी मिलती है। इसी तरह के प्लांट आप लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट प्लांट आपको दिखाता हूँ मैं। इसे स्वीट पोटैटो वाइन बोलते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्लांट है, चॉकलेटी कलर का होता है ये प्लांट और बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा है। एक किसी ओवल शेप में ये भी प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है अगर भर के लगाओ आप। और ये हैंगिंग बास्केट के अंदर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है अगर हैंगिंग बास्केट में इसे लगाते हैं तो। ये भी हार्डी प्लांट है। आइए नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। इस प्लांट को लाल साग बोलते हैं। इसमें एक ब्लड लीफ भी आता है, वो भी थोड़ी डिफरेंट लीव्स होती हैं। ये ग्राउंड कवर में काम आता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये और बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। ये देखिए, आप किसी ग्रीन प्लांट के नीचे अगर इसे प्लांट कर देते हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ साथ दिखने में बहुत सुंदर हो जाता है और दोनों प्लांट का बैलेंस भी बनता है और ये खूबसूरती बहुत बढ़ाते हैं अपने गार्डन में। आप जहाँ भी इसे लगाते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाते हैं। इनकी खाद का बात करें तो हम खाद इसकी वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हो,
लिक्विड स्प्रे एनपीके कर सकते हो आप। ऑर्गेनिक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सीवीड का यूज़ करिए हमेशा। सीवीड प्लांट को उसकी जो डिफिशेंसी होती है, जो उदासी होती है प्लांट की, उसे फुलफिल करता है और वो सुंदर दिखने लगता है, उसका कलर नेचुरल फॉर्म में आने लगता है। और प्लांट आपको सभी पौधे, यही कारण होता है आप नर्सरी में आते हो, आपको सारे पौधे अच्छे लगते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम उनको खाना दिया जाता है। तो आप भी इसका ध्यान रखें, जब भी नर्सरी में पौधे खरीदें उनसे इसका खाना भी अवश्य पूछें कि इसे देना क्या है, क्या प्लांट को हेल्दी रखने के लिए फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, लीव्स हैं, कैसे उसकी मेंटेन रहे। आइए नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। हमारा लास्ट प्लांट पोंग पोंग चंपा है, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। ये देखिए इसकी कलर लीफ आपके गार्डन के अंदर कलरफुल करने के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसकी हाइट देखिए कितना सुंदर प्लांट है। इसकी सबसे अच्छी बात है विंटर्स में, जैसे कि चंपा में मोस्टली चंपा के जो पत्ते हैं, ग्रीन पत्ते हैं, वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो फ्रॉस्ट जब इतना ज़्यादा पड़ता है दिसंबर और जनवरी में, धूप नहीं मिल पाती जिसके कारण इसके पत्ते गिरने लगते हैं। ये चंपा जो है पोंग पोंग चंपा, इसके पत्ते उतने नहीं गिरते हैं। इसको बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो ऐसे नेचर में तमाम प्लांट है जिन्हें कलरफुल लीफ वाले, जो कुछ फ्लावर भी देते हैं और लीफ भी उनकी कलर्ड रहती है, टाइम टू टाइम चेंज भी करते हैं वो, तो ऐसे पौधे आप लगा सकते हो। एक और प्लांट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आइए देखते हैं। इसको फायर बॉल बोलते हैं, बहुत ही लीस्ट मेंटेनेंस है, सकुलेंट की वैरायटी है। सकुलेंट के अंदर सबसे हार्डी प्लांट अगर किसी को कहें तो वो फायर बॉल, जिसे पेंसिल प्लांट भी बोलते हैं, और ये बेस्ट मॉस्किटो रेपेलेंट इस प्लांट इसे कहा जाता है। इसको बहुत लोग लगाते हैं अपने गार्डन के अंदर बाउंड्री में। और ये देखिए इसकी लीफ जो है अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसे अगर सर्दी है तो सर्दी में अलग पत्ते चेंज हो जाएंगे, गर्मी में पत्ते इसके अलग चेंज हो जाएंगे। जैसा मैंने देखा है इसके पत्तों को, डार्क ऑरेंज, डार्क रेड, डार्क येलो, डार्क ग्रीन, इसकी शेड्स ऐसे चेंज हो जाती है। और जब ये प्लांट जैसे विंटर्स में हमारे पास होता है और जब इसके कलर चेंज हो जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा ये कोई भी एक पौधा हमारे पास बचता नहीं है, बहुत तेज़ी से बिक जाता है। ये देखिए इसी तरह की छोटी छोटी लीव्स होती हैं इसमें, बस लीव जो हैं ये कलर चेंज कर लेती हैं। हार्डी पौधा है, जैसे आप अपने आउटडोर प्लांट को प्लांट पानी देते हो वैसे इसे देना होता है। ये वैसे जैसे कैमल होता है, एक बार पानी पी लेता है और वो कुछ टाइम बाद ही पानी की डिमांड करता है, ऐसी ये प्लांट भी है। एक बार आप पानी दे दोगे तो ज़्यादा पानी इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके साथ ये वीडियो शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे आपको वो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।